और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, फिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिसने के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ इधर, आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ ना करो और आह ना करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहदों वाले और बड़े 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 इबादात वाले, बड़े बड़े इबादात के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सक, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते। तुम्हारी तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो, तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा, तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखरत में, ना दुनिया में ना आखरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीजा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से। और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुना सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीजगी है। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीजगी है। गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखरत भी बनाएगा। ये अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो और अपने अखलाक भी बनाओ, अपना ईमान भी बनाओ, अपने किरदार को भी बनाओ और मरते दम तक ये मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। करते करते मौत आ गई तो जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा, जो अधूरापन है अल्लाह दूर कर देगा। और कोशिश करो 24 घंटे की जिंदगी में इस जबान पे खैर के सिवा कुछ ना निकले। तुम बेशक फर्ज नमाज पढ़ो, तस्बीहात मस्नू ना पढ़ो, तुम लंबे जिक्र ना करो, लंबे कुरान ना पढ़ो, लंबे नफल ना पढ़ो, मेरी एक मान लो, ये जबान पे काबू पा लो, इस जबान को बंद करना सीख लो, इसे होंठों तले, इसे दांतों तले दबाना सीख लो, ये होंठों के दर बंद करना सीख लो। ये मदरसे के तलबा नजर आ रहे हैं, इनको शैतान कोई दावत देगा शराब पियो, इनको कोई शैतान देगा दावत देगा कि जुआ खेलो, इनको दावत देगा गीबत करो, इनको दावत देगा फलां की बुराई करो, इनको दावत देगा उसके ऐब ढूंढो और उसको चस्के ले लेकर बयान करो। ये इस गुनाह की मार देता है, इसमें ऐसी मार देता है कि नमाजें साफ हो जाती हैं, इबादत साफ हो जाती हैं, इल्म साफ हो जाता है, तबलीग साफ हो जाती है। हमारे उस्ताद मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह हमें फरमाया करते थे, जब वो कभी गीबत की नफरत बिठाते तो फरमाया करते थे, तुम सबसे ज्यादा कमाई करने वाला तबका हो तलबतुल इल्म, लेकिन एक बोल बोल कर सारी कमाई पे पानी फेर देते हो। तो मेरे भाइयों, चाहे दीन वाले हो, चाहे दुनिया वाले हो, मदरसे वाले हो, कॉलेज वाले हो,
एक इबादत को बनाओ, एक अपने अखलाक को बनाओ, तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखरत भी तुम्हारी है। अगर अल्लाह को साथ ना लिया और इस नफ्स को पाकीजा ना किया तो ये जहान भी बर्बाद है, अगला भी बर्बाद है। इसे पाक करने की नीयत आज से नीयत करो कि इसे इंशाल्लाह पाक करने की कोशिश करेंगे। तो नीयत करते हो? नीयत करते हो सारे कि इसे पाक रखना है। कभी कोई धब्बा लग जाए, कोई धब्बा लग जाए, लगता रहेगा इंसान जो है तो फौरन धोने की, जैसे कुर्ते पे धब्बा लग जाए तो फौरन धोने की कोशिश करते हैं, उसे धोने की कोशिश करो। आंसुओं का पानी, आंसुओं का पानी, बस बड़े से बड़े दाग को धोने के लिए आंसुओं का पानी चाहिए, और ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। एक मक्खी के सर के बराबर तुम्हारी आंखों के कटोरों में आंसू तैर गया, आंसू तैर गया, जो सिर्फ तुम्हारे अंदर को तर कर गया, बाहर ना निकल सका। तुम्हारी आंख इतनी बखील साबित हुई कि तुम्हें आंसू का एक कतरा ना दे सकी, लेकिन इतना दे दिया कि तुम्हारे किनारे भीग गए, तो तुम्हारे बड़े बड़े दाग अल्लाह धो के साफ कपड़ा तुम्हें हाथ में पकड़ा दे, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे। तो जब हो जाए तौबा करो, जब हो जाए आंसुओं से साफ करो, आंसू नहीं निकलता तो आंखों से साफ करो, तुम्हारी आंखें भी उसे साफ कर देती हैं, तुम्हारे आंसू भी उसे साफ करते ही करते हैं, तुम्हारी आंखें भी उसे साफ कर देंगी। तुम कहते हो जी दिल बड़ा सख्त है, आंसू निकलता ही नहीं, तो तुम कुछ आह ही भर दो अल्लाह के आगे, तो वो भी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। तो मेरे भाइयों, इसकी नियत करते हो ना, पिछली पर तौबा करो, पिछली पर तौबा करो।